नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार यादव और आप देख रहे हैं महाकाल भक्त चंदन। दोस्तों, अभी तक अपने घर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दियो ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। लव यू मेरे दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार यादव और आप देख रहे हैं महाकाल भक्त चंदन। दोस्तों भाइयों, अभी माता रानी के ईद मैंने किया हुआ है। दोस्तों चलिए हम आपको अब सिखाएं कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना होगा और यहाँ से सेंड करके पिक्सार्ट में जानी होगी। पिक्सार्ट में जाने के बाद मेरे भाइयों पिक्सार्ट खुल गया। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ मैं ऐड फोटो पर क्लिक किया और यहाँ माता रानी के फ़ोटो रखा हुआ है पिक्सार्ट में। अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको दे देंगे। और यहाँ से मैं जूम कर लिया, यहाँ से अपना साइज़ देख लेंगे और यहाँ हार्डनेस को लो कर देंगे थोड़ी, और क्या करेंगे यहाँ से मिला के उसके बाद यहाँ से लो कर लेंगे और इरेजर पर क्लिक करके फ़ोटो को जूम करके यहाँ से मिटाएँगे, जूम कर लेंगे ताकि अच्छा से मिट सके, ताकि लगे कि माता रानी पीछे और कोई माता रानी के स्वरूप कोई उनको देख रहा है, उनकी और उनका जो छोटा सा चेहरा है वो उनकी तरफ देख रहा है। और यहाँ से अपना आप प्रेस कर लेंगे ताकि कोई अच्छा से दिख सके। दोस्तों अब उसको आज यहाँ से अपना बढ़ा लेंगे। तो बाद मेरे दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेरे भाई ऐड फोटो में जाके रिसेंट में मैंने करप्ट करके रखा हुआ है मेरे दोस्तों फोटो को। अब यहाँ से मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ अपना। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप बताइए। यहाँ से मैं फ़ोटो चूज कर ले रहा हूँ और चूज करके यहाँ मैं लगा रहा हूँ। लगाने के बाद यहाँ फ़ोटो के नीचे जो बैठे हुए हैं उस पर कुछ वहाँ साइज़ को बढ़ा दीजिए और ताकि यहाँ से आप बगल कर दीजिए ताकि लगे कि उस कलर का थोड़ा डीप में हो जाए, ताकि लगे कि आप उसी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ से मेरे दोस्तों ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेरे भाइयों यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे। बॉर्डर लगा लेंगे उसके बाद यहाँ से लॉक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेरे दोस्तों फेस काफ़ी मैंने काला दिखाई दे, उसके बाद टूल्स में जाके यहाँ कर्वर पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे। जाने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ से इरेजर पर क्लिक करेंगे, इरेजर पर क्लियर करेंगे, यहाँ से क्लियर पर बगल में दिया करेंगे। उसको करने के बाद मेरे दोस्तों या आप फोटो को जूम करेंगे, जूम करने के बाद फेस को अपना प्रेस करेंगे और पूरे बॉडी को अपना वाइट कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से वाइट हो रहा है। दोस्तों वो ओके करके अपना और जितना अपना वाइट चाहिए कर सकते हैं, आप देख लीजिए और उसके बाद डन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, फेस ऑटोमेटिक वाइट हो गया, आपको तरीका बताया था। और उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ इफेक्ट जो है अपना यहाँ से अपना कर सकते हैं जो आपको अच्छा दिखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद मेरे भाई जय माता दी अपना दिख लेंगे। जय माता दी लिख लिया मेरे दोस्तों। और जय माता जी लिखने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ से अपना फंड ले लेंगे। फंड अभी ले ले रहा हूँ जो अच्छा दिखे। और यहाँ से मैं यहाँ चिपका रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना कलर कर लेंगे। मैं यही कलर कर रहा हूँ और नीचे अपना एड्रेस कर ले रहा हूँ माता रानी कलर का। और दोस्तों करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों पहले यहाँ का कलर ले लेंगे बैक में, जो आपको अच्छा दिखे। डार्क लगे तो हम इसको यही ठीक लग रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ बगल में क्लिक करेंगे आप और उसके बाद थोड़ी ऊपर कर लेंगे ताकि लगे कि उसका परछाई की तरह दिखाई दे रहा है, जय माता दी। उसके बाद यहाँ जाएंगे और ब्लर को करेंगे। ठीक है, ब्लर को ज़्यादा करने के बाद वहाँ और उसके बाद यहाँ जाके अपना ब्लर को जी करेंगे, उसे जय माता दी हो गया। अच्छा तो मेरे दोस्तों जय माता दी एडिट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे भाइयों।